हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आठ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सेट टू है। दोस्तों, सेट वन नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सोशियोलॉजी का मैं लगभग 400 ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा? किसने सामाजिक शास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा? एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, जॉनसन, जॉनसन। दो नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? दो नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क हो जाएगा, मुस्लिम। मुस्लिम जो है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। तीन नंबर क्वेश्चन, साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? तीन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चार नंबर क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुई? भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुई? चार नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है गवा हो जाएगा, 1986 में जो है भारत में नई शिक्षा नीति का घोषित किया गया। पाँच नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा संबंधित है, दांडी यात्रा संबंधित है, दांडी यात्रा संबंधित है। पाँच नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा संबंधित है। छः नंबर क्वेश्चन, जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? छः नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। सात नंबर क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? सात नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ग हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आठ नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आठ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ग हो जाएगा, नॉर्मन बारलॉन्ग, नॉर्मन बारलॉन्ग। नौ नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? नौ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, अनुच्छेद माइनस इक्यावन का। दस नंबर क्वेश्चन, कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है? कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है? दस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, वारसा, वारसा जो है हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समुदाय है? निम्न में से कौन समुदाय है? ग्यारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क हो जाएगा, नगर, नगर जो है समुदाय है। बारह नंबर क्वेश्चन, शारदा को एक्ट कब पारित किया गया? शारदा एक्ट कब पारित किया गया? बारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा, 1929 ईस्वी में जो है शारदा एक्ट पारित किया गया। तेरह नंबर क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है? आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। तेरह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है जो क्या हो जाएगा, रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर। चौदह नंबर क्वेश्चन, कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है? कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है? चौदह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जो है कृषि के लिए अनुकूल परिवार है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? पंद्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा, 1875 ईस्वी में जो आर्य समाज की स्थापना की गई। भूमंडलीकरण संबंधित है, भूमंडलीकरण संबंधित है। सोलह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ग हो जाएगा, दोनों, भूमंडलीकरण जो है दोनों है। क हो जाएगा, उदारीकरण, ख हो जाएगा, निजीकरण। सत्रह नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? सत्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ग हो जाएगा, रेड फील्ड ने। अठारह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है? निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी? अठारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ग हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। क हो जाएगा, परिवार, ख हो जाएगा, धर्म, ग हो जाएगा, परंपरा। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुदेववाद किस धर्म का विशेषता है? बहुदेववाद किस धर्म का विशेषता है? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क हो जाएगा, हिंदू का जो है बहुदेववाद धर्म की विशेषता है। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया? किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ख हो जाएगा, दुर्खिम, दुर्खिम। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है? निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है? 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो घ हो जाएगा, सभी, क हो जाएगा, शिक्षा, ख हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, ग हो जाएगा, नगरीकरण। 22 नंबर क्वेश्चन, नातेदारी संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है
ग हो जाएगा दोनों, क हो जाएगा जन्म, घ हो जाएगा विवाह। 23 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, 1945 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण जो है पंचायती राज का व्यवस्था है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनाधिकाय के मूल कारण क्या है, भारत में जनाधिकाय के मूल कारण की क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। क हो जाएगा शिक्षा, घ हो जाएगा प्रौद्योगिकी, घ हो जाएगा सामाजिक आर्थिक कारक। 26 नंबर क्वेश्चन, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद -17, अनुच्छेद -17। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ग हो जाएगा दोनों, दोनों। ख हो जाएगा क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रवाद। ख हो जाएगा संप्रदायवाद, संप्रदायवाद। 28 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ग हो जाएगा ज्योतिबा, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। 29 नंबर क्वेश्चन, नायर जनजाति संबंधित है, नायर जनजाति संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा केरल जो है नायर जनजाति संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है, निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा BMS, BMS जो है श्रमिक संगठन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, जनाकिकी का क्या अर्थ है, जनाकिकी का क्या अर्थ है। 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। 32 नंबर क्वेश्चन, संस्था क्या है, संस्था क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा नियमों का समूह, नियमों का समूह, नियमों का समूह। 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन। 34 नंबर क्वेश्चन, बाजार क्या है, बाजार क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है घ हो जाएगा संस्था, बाजार जो है एक संस्था है। 35 नंबर क्वेश्चन, किसान आंदोलन का जनक कौन है, किसान आंदोलन का जनक कौन है। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा मध्यमकाल, मध्यमकाल, मध्यमकाल। 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ख हो जाएगा 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में जो है हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण जो है कंप्यूटर संबंधित है, आधुनिकीकरण जो है कंप्यूटर संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी। 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, श्रीनिवास, श्रीनिवास। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन खुली व्यवस्था है, कौन खुली व्यवस्था है। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ग हो जाएगा दोनों, क हो जाएगा वर्ण, ख हो जाएगा वर्ग, दोनों जो है खुली व्यवस्था है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।